डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट। इसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि उनमें किस टाइप की सेल प्रेजेंट है, इसके आधार पे हमने यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेकेंड है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि सिंपल टाइप की सेल पाई जाती हो, जिसका जो न्यूक्लियस है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर किसी टाइप की कवरिंग नहीं पाई जाती, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती वो यहाँ पर अब्सेंट होती है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें एक अच्छी वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड सेल पाई जाती है, ठीक है। इसके जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइजोबियम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ये सभी अच्छे से डेवलप्ड पाई जाती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बट आगे का भी डिवीजन देख लेते हैं हम किस टाइप से यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये टू टाइप के है अगेन, कौन कौन से? एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, तो दूसरे है यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि केवल वन सेल से पूरी उनकी बॉडी बनी रहती है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर टाइप के ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी जो पूरी बॉडी है वो केवल वन सेल से ही मिलकर बनी है। जैसे इस टाइप की अमीबा की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे अगर हम पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर पाई जाती है पैरामीशियम की, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरी एक सेल से ही मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल वन सेल से मिलकर बने हैं, बट ये है कैसे? तो यूकैरियोटिक। ओके, आगे देखते हैं हम जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है इनको आगे जाके हमने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ये हमारा सेकेंड वाला किंगडम है, फर्स्ट कौन सा था? मोनेरा किंगडम, सेकेंड है प्रोटिस्टा किंगडम। इस टाइप से टोटल 5 किंगडम्स आएंगे आपके पास, कौन कौन से है देखते हैं आगे। यहाँ पर कहा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी दो या दो से अधिक टाइप की सेल्स से मिलकर बनी हुई रहती है, यानी कि उनमें मोर देन 2 सेल होती है, उनको कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर टाइप के ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बॉडी है, डॉग है, कैट है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये सभी किस में आते हैं? तो ये मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत आते हैं। यूनिसेल्यूलर को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत आएंगे। जैसे आगे फिर इनको और आगे डिवाइड किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? तो फर्स्ट यहाँ पर डिवाइड किया है सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल अब्सेंट के बेसिस पर। मीन्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत भी दो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है। कौन कौन सी? ऐसे फर्स्ट कैटेगरी है जिसके अंदर जो सेल होती है इसके चारों ओर एक रिजिड टाइप की यहाँ पर ये सेल वॉल प्रेजेंट है, और एक होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यानी सेल वॉल अब्सेंट है। अब जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं किंगडम प्लांटिया के जितने भी प्लांट्स है वो सारे आते हैं। ऐसे ही हेटरोट्रॉफिक जो है उसके अंतर्गत आते हैं किंगडम फंगी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो आएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो सेल वॉल अब्सेंट के बेसिस पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो सेल वॉल अब्सेंट के बेसिस पर यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आते हैं इसमें सेल वॉल अब्सेंट वाले टाइप्स के अंतर्गत। अब यहाँ पर जितने भी एनिमल्स है, एनिमल या किंगडम दिया है इसको, यानी कि इसके अंतर्गत सारे एनिमल्स को रखा गया। ओके, अब यहाँ पर 2 टर्म यूज की थी, एक थी ऑटोट्रॉफिक, दूसरी हेटरोट्रॉफिक। तो ये क्या होता है देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं,
सनलाइट के प्रेजेंस में या किसी अदर टाइप से, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो पत्ती है उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन करता है। जो फूड है वो किस फॉर्म में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट्स में, और प्लांट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो करवाने के लिए ये फूड उनकी हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे दूसरा है यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक, जिसके अंतर्गत फंगी आते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, मीन्स अपने फूड का फॉर्मेशन सेल्फ नहीं कर सकते, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स। ओके, एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स है वो सारे आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल कितने किंगडम है, 5 किंगडम है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, इसके बाद थर्ड है यहाँ पर प्लांटिया किंगडम, फोर्थ है फंगी, एंड फिफ्थ है एनिमलिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड, वो है प्रोटिस्टा किंगडम, यानी प्रोटिस्टा के बारे में उसमें पढ़ेंगे। इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इससे पहले अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि एक साइड थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरे साइड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक थे उनके अंतर्गत आते हैं किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, तो ऐसे सेल जो अच्छे से डेवलप नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनके अंदर कैसी सेल पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मींस इसके अंतर्गत सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किसके अंतर्गत, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट क्या है, मोनेरा सेल आर माइक्रोस्कोपिक, मींस यहाँ पर जो सेल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है। इसकी साइज अगर हम देखें तो 1 माइक्रोन के लगभग होती है, कितनी होती है 1 माइक्रोन के लगभग। थर्ड पॉइंट दिया इसमें, दे हैव नो न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नो मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यहाँ पर जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस पाया जाता है उनके चारों किसी भी टाइप की सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि यहाँ पर पूरी एक ही सेल होती है इस टाइप से, ठीक है। पूरी एक ही सेल है, उसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस भी नहीं रहता, न्यूक्लियस का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऐसे ही सेल के अंदर बिखरा हुआ रहता है, इसी में ऐसे राइबोसोम वगैरह या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही बना रहता है, यानी कि अलग से सेल की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर नहीं होती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, मोस्ट मोनेरा सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल, ज्यादातर जो मोनेरा सेल्स है इनके चारों ओर एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, एक मोटी सी यहाँ पर आउटर कवरिंग पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं रिजिड सेल वॉल, क्या कहते हैं इसको, रिजिड सेल वॉल। थर्ड फिफ्थ नंबर पॉइंट दिया है इसमें, दे आर टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म वो केवल एक सेल से ही बना होता है, पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की ओनली 1 सेल से मिलकर बनी होती है। लास्ट पॉइंट है इसमें, दे आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर, मीन्स ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या काम करते हैं, तो ये डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिजम्स होते वो क्या होते हैं, एक टाइप से डीकम्पोजर होते हैं, जो कि डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़े इसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्या था, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स यहाँ पर जो सेल है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब दिखने में साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लगभग 1 माइक्रोन की साइज होती है। दे आर नो न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है।
फोर्थ पॉइंट में देखा अपन ने मोस्ट मोनेरा सेल्स है और रिजिड सेल वॉल, चारों ओर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, तो टिपिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो वन सेल से मिलकर बना ओनली। दे आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, मीन्स ये डिकम्पोजर कैटेगरी में रखे जाते हैं, ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो बैक्टीरिया है ये मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या है स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है प्लाज्मा के चारों ओर जो कवरिंग है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा गया है फ्लेजेलम, या इसको फ्लेजिला भी बोलते हैं, और ये बैक्टीरिया में मूवमेंट करवाने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये क्या है, तो ये है पीली, क्या है ये पीली, और ये भी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, जिसमें कि जो बैक्टीरिया है इसका फूड स्टोर होता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को नाम दिया है मीजोजोम। ये जो अंदर की लेयर है इसके चारों ओर इस टाइप से आपको ये लेयरिंग दिखाई दे रही है ना, इस टाइप से यहाँ पर जो लेयरिंग दिखाई दे रही है ये डिजाइन टाइप की, इनको कहा गया है रेस्पिरेटरी चेन। क्या नाम दिया इनको, रेस्पिरेटरी चेन, जो कि क्या काम करवाती है, तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का ये काम करवाती है। इसके अलावा देखें यहाँ पर, तो ये आउटर जो कवरिंग है जो कि सेलुलोज की बनी हुई रहती है और थोड़ी हार्ड होती है, ये होती है सेल वॉल, जो कि बैक्टीरिया को बाहर के साइड से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा ये जो आउटर कवरिंग है इसे हम कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है पूरा, है ना, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम क्या कौन करता है यहाँ पर, तो सेल वॉल एंड कैप्सूल। ये मान सकते हैं हम कि जो सेल वॉल है इसके चारों ओर की जो कवरिंग है वो क्या है, तो कैप्सूल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये इस टाइप जो पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, तो ये आरएनए है। आरएनए कौन सा, तो एमआरएनए है, यानी कि मैसेंजर आरएनए है ये। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, धागे जैसे स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये क्या है, तो ये डीएनए है। डीएनए क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है, यहाँ पर ये डीएनए ही है। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस नहीं है और ना ही न्यूक्लियस के यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे ऐसे साइटोप्लाज्म में यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो दाने जैसे स्ट्रक्चर्स ये आपको दिखाई दे रही है, इनको नाम दिया है फ्री राइबोसोम, ठीक है। क्या है ये, तो फ्री राइबोसोम है, और इनका काम क्या होता है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसाइज करवाते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इस टाइप की डार्क वाली छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, तो ये फ्री एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और बैक्टीरिया के जो भी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस है उनको कंप्लीट करवाने का काम ये करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारी बैक्टीरिया की।